बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल। तो इतनी अच्छी किस्मत तो अभी है नहीं कि अहमदाबाद जाके गुजरात में स्टेडियम में बैठ के वर्ल्ड कप का मज़ा ले सकें। तो लूलू मॉल जाएंगे आज और वहाँ जाके वर्ल्ड कप का मज़ा लेंगे क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगने वाली है और काफ़ी सारे लोग वहाँ मैच देखने आएंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later, लेटे काफी बोर हो चुका था तो सोचा बाइक साफ कर लूं क्योंकि संडे भी है और जाना भी काफी दूर है और भाई बाइक गंदी हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलिए बाइक साफ करते हैं। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जो है वो साफ हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है काफी शाइन कर रही है बाइक। शाइन भी क्यों ना करेगी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से साफ करा है इसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आखिर बाइक में जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है जिसके लिए मैं जब सर्विस कराऊंगा बाइक की तब उसका पूरा व्लॉग शूट करूंगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सस्पेंशन में से थोड़ी आवाज़ आ रही है, सस्पेंशन में आ रही है या ब्रेक में आ रही है ये पता नहीं, लेकिन फ्रंट से जो है वो कट कट जैसी आवाज़ आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है। और बाकी चेन जो है वो मुझे लग रहा है काफ़ी बाइक की जो है वो लूज़ हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो चेन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, तो चेन कवर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है जब बाइक में चलाता हूँ, तो भाई आवाज़ जो है वो काफ़ी इरीटेट करती है। तो ये कुछ जो है वो बाइक में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी बाइक जो है अभी तक काफ़ी अच्छी चल रही है और साफ तो हो चुकी है। मज़ा आया, जीतेगा रहेगा। गाइस ये 2 घंटे बाद जो है वो तैयार होके आ रहे पूरा, और मुस्कुराहट देखिए आप, देखनी है खुशी। क्या बोला तूने? और ये अपने साहब भाई खड़े हुए, इनके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है क्योंकि आधी लग चुकी है दिहाड़ी, हम लोग की आज की पूरी कटेगी। प्लासियो पहुंच चुके हैं और शेजी भाई अपने आगे चल रहे हैं। ये तो यहाँ पहले पार्किंग में ये काम कर चुके हैं, तो यही बता रहे हैं कि गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी होती हैं। इनको एक्सपीरियंस है, 6 महीने आईनी ने गार्ड का काम करा था कुछ भी पार्किंग में। और ये अपना स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है साहब भाई? ये स्टेडियम जो है सैफ प्रोमो लीग का नाम है, हमने अभी घोषित नहीं किया, कर देंगे, बहुत पैसा ना इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। फिलहाल तो ये गाना स्टेडियम है और ये हम बता चुके हैं गाना स्टेडियम है यार, वो नाम चेंज करवाने लगे। और चलिए फिर मॉल के अंदर ही मिलते हैं। लूलू जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया था और अब आए हम लोग प्लासियो। तो प्लासियो में देखते हैं कि स्क्रीन कहाँ पे लगी है और फिर वहीं मैच के मज़े लेते हैं। ये तुम बोल ही गए, एयर जॉर्डन 1 हम भी पहन के आए। यहाँ पे साहब भाई भी अपने महंगे जूते पहने हुए हैं, किसी में काम नहीं है। नहीं, वो एक एयर जॉर्डन 3 देख लिया ना, उससे मेरी बहुत याद हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। चार बार हम लोग ये वहाँ पर सन्नाटा है, हम लोग पीना है फिलहाल, चलो नहीं यार है। पूरा प्लासियो भटकने के बाद हम लोग कहाँ जा रहे? लूलू मॉल। और ये हमने पहले लूलू मॉल का ही प्लान था, लेकिन इनको ऑफिशियल जो है न्यूज़ मिली थी कि प्लासियो में मैच दिखाया जा रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
मैंने कहा मैच देखना था, गिरी की भूख नहीं थी, लेकिन अब पेट्रोल पक चुका है, चलते लूलू देखते हैं। हाँ भाई, सूर्य कुमार को चलना है। फिलहाल तो विराट भाई खेल रहे अपने और उम्मीद है कि शतक मारेंगे। लूलो मॉल पहुँचते हुए एक बहुत लोग बुरी खबर मिली है, विराट कोहली आउट हो चुके हैं और लाला चीजें देख सकते हैं। पब्लिक काफी है, लेकिन यही एक जैसे चलते हैं और यही देखते हैं। बैठने के लिए कुर्सियाँ तो मिल गई हैं, लेकिन स्क्रीन नहीं मिल पाई। स्क्रीन वहाँ पे वो लगी है और वहाँ पब्लिक बहुत है, तो फिलहाल छोटी स्क्रीन देख के हम लोग काम चला रहे हैं। जब इनिंग्स ब्रेक होगा तब जाके उन कुर्सियों पे कब्जा करेंगे। ये शादी वाला कहना है अपने भाई। साहब भाई की प्यास बुझाने के लिए हम लोग बाहर आए हैं। उनकी प्यास जो है पानी की थी। बड़ा हरामी हो बेटा, गलत ना समझिएगा। बस मेरे लिए यहाँ पे पीने के लिए हम लोग ने भाई अपने शादी भाई बैठे पाव भाजी पेलने की जुगाड़ में लगे हैं। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। तो स्कोर जो है वो बहुत ही खराब चल रहा है, 216 पे 8 विकेट चुके हैं। अब देखिए बॉलर ही कुछ कमाल कर सकते हैं, उसके बाकी जगह जो है वो हम लोग को मिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जगह मिल गई है और यहाँ पे शहजी भाई काफ़ी कम्फर्टेबल होकर बैठे हैं, बहुत कम्फर्टेबल बैठे एकदम अपनी असली पोजिशन में। सूर्य कुमार यादव में बहुत विश्वास है भाई, अब सूर्य कुमार यादव भी कुछ कर सकता है। रुको जरा, सबर करो। सो गाइस, मूड बहुत ख़राब हो रखा है, मैच हार चुके हैं, मतलब अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि इंडिया फाइनल हार गई है। तो भाई को अपनी फीलिंग शेयर करने जाएंगे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो ब्लॉग को यहीं बैंड करते हैं क्योंकि अपनी टीम हार चुकी है और बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है भाई। बहुत बुरा लग रहा है लिटरली बहुत ज़्यादा, एकदम कुछ नहीं बता सकते हैं। तो फिलहाल ब्लॉग को यहीं बैंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पहली बार की वीडियो देख रहे हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।